देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर खटीमा से, नगर पालिका में की तालाबंदी। आपको बताते चले, उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत नगर पालिका खटीमा में विगत 3 माह से वेतन न मिलने, 3 माह से वर्दी न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के गेट पर की तालाबंदी। नाराज सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के गेट के आगे धरने पर बैठे, साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों को नगर पालिका में जाने से रोका। आपको बताते चले, सीमांत नगर पालिका खटीमा में सफाई कर्मचारी अपनी 3 महीने की तनख्वाह न मिलने से नाराज होकर विगत 1 सप्ताह से आधे दिन के लिए कार्य बहिष्कार पर थे। आज सफाई कर्मचारियों ने आधे दिन के कार्य बहिष्कार के 1 हफ्ता गुजरने पर भी नगर पालिका चेयरमैन द्वारा उनसे कोई वार्ता न करने से नाराज होकर नगर पालिका के गेट पर तालाबंदी की। साथ ही सफाई कर्मचारी नगर पालिका के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। नगर पालिका के बाबू को सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में जाने से रोक। नाराज सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अपनी 3 महीने की तनख्वाह देने की मांग को लेकर आधे दिन के कार्य बहिष्कार करते हुए 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों की सूद लेने वाली नगर पालिका चेयरमैन नहीं आई, जिसके चलते आज मजबूरी पर सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में तालाबंदी की है। यदि नगर पालिका प्रशासन ने उनकी मांग फिर भी नहीं मानी तो कल से सभी कर्मचारी नगर पालिका चेयरमैन सोनी राणा के कैंप कार्यालय पर धरना देंगे। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। 1 हफ्ते से आधे दिन के कार्य बहिष्कार पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष के कान पे जू नहीं रिग रही है। 5 माह का हमारा वेतन हो गया है, किसी का 3 महीने का वेतन हो गया है, हमारी 3 साल की वर्दी है, मृतक आश्रित एक बेचारा 2 महीने से धरने पर बैठा है, कोई सुद लेने वाला नहीं है और मजबूरी में या गेट पर बैठे हैं। हम किसी भी बाबू को अंदर नहीं जाने देंगे, जनता के लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे जब तक हमारी वेतन का मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक मृतक आश्रित कर्मचारी को नियुक्तियां नहीं मिल जाती है। और आज ये हम लोगों ने किया है, यदि हमारी समय रहते बात नहीं मानी गई तो कल से हम पालिका अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर धरना देंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।